Hello, my name is Shubham Rohela, professional mechanical engineer along with the proud digital networker. So guys, अगर YouTube पे मुझे पहली बार देख रहे हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये खुराफाती इंजीनियरिंग चैनल है, कहीं ना कहीं आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में डेफिनेटली एक पॉजिटिव चेंज दे सकता है, 100% श्योर अबाउट इट। सो गाइज, एक क्वाइट शॉकिंग खबर है, एक क्वाइट शॉकिंग खबर। ये देखो, 74% जनता जो मुझे देखती है उसने मुझे सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा। तो क्या फायदा मेरी इतनी बड़ी लाइन बोल के, आप ये बताओ मुझे। सब्सक्राइब कर लो यार, मजा आए। तो ज्यादा ना करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलो थोड़ा सा पॉजिटिव होते हैं। आज शुभम रोहेला आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, जो कि मार्केट में सबसे ज्यादा नेगेटिव बिजनेस बोला जाता है, उसके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव करेगा, उसकी आपको थोड़ी सी पावर बताएगा, थोड़ी सी उसकी पॉजिटिविटी, थोड़ा सा उसकी पावर आपको बताएगा। और ये पावर कहीं लिखी नहीं होगी, ठीक है, मुझे नहीं पता किसी बुक में लिखी है कि नहीं। ये सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि क्या मेरे साथ एक्सपीरियंस हुए, क्या मुझे पावर लगी बीइंग अ नेटवर्कर। यही सबसे पहली बात। देखो, जब स्टार्ट आप बिजनेस कर रहे होता है ना, जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे होते हो, सबसे टफ चीज उसी टाइम होती है। बस सबसे टफ चीज इसके स्टार्टिंग के 3 से 6 महीने आपको काटना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में इस बिजनेस में रिजल्ट नहीं आते हैं, ठीक है। बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि अगले महीने चेक आना स्टार्ट हो जाएंगे, ये आना स्टार्ट हो जाएंगे, वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। टाइम लगता है, अगर आप इस बिजनेस को बहुत एथिकल वे में कर रहे हो तो टाइम लगता है थोड़ा सा स्टार्टिंग में बिल्ड करने के लिए, ठीक है। अब अगर मैं अपनी बात करूं, आज मेरे पास 11 यूट्यूब चैनल हैं। अब आप सोचोगे 11 यूट्यूब चैनल, हम तो एक ही देखते हैं और उसमें हमने आपको सब्सक्राइब नहीं रखा, तो 11 चैनल कहां से आ गए आपके पास। मैं बताता हूं आपको, 11 चैनल हैं, मेरा खुद का एक ही चैनल है, लेकिन मैं मानता हूं मेरे 11 चैनल हैं। वो कैसे? मेरी टीम में 10 मेंबर्स ऐसे हैं जिनका यूट्यूब चैनल है और बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल चल रहा है उनका। अब सोचो, उस यूट्यूब चैनल से वो जो अर्न कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन उस यूट्यूब चैनल से जो भी फॉरएवर में अर्निंग होगी, क्या उसका कुछ परसेंट मुझे नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। सो दैट्स द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। आई डू हैव ओनली 1 यूट्यूब चैनल, लेकिन अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, सो आई डू हैव 11 यूट्यूब चैनल। सोचो, कोई दुनिया में ऐसा बिजनेस होगा जो दूसरे वाले को भी अपने इतना मोटिवेट करता है कि तुम भी मेरे जैसे बनो? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप 100 रुपए कमाओगे तो 1 रुपया मुझे भी मिलेगा। यहां पर दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेस हो सकता है जो अपने पार्टनर को बोलेगा कि यार तेरा चेक ज्यादा बढ़ाना चाहिए मेरे से, तू जितनी ज्यादा मेहनत करेगा, तू मेहनत कर जितनी ज्यादा कर सकता है। क्यों? क्योंकि तू अगर 100 रुपए कमाएगा तो 1 रुपया मेरा भी होगा। सोच के देखना, दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेस है क्या जो अपने पार्टनर को चाहेगा कि उसका पार्टनर उससे ज्यादा ग्रो करे? कोई नहीं है बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग इज वन ऑफ इट। सेकंड, भाई मुझे हिंदी और इंग्लिश बोलनी आती है और पंजाबी थोड़ी थोड़ी बोलनी आती है, ठीक है। इसके अलावा मुझे कोई लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है। जर्मन भी थोड़ी बहुत आती है। इसके अलावा अब सोचो, कोई केरला से बंदा मुझे फोन करे और पता नहीं वहां पे जो भी लैंग्वेज बोली जाती है, अगर आज वो मेरे से बात करता है तो मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ती। परसों किसी का फोन आया था, वो क्या बोल रहा था, मेरी तो सारी बाउंसर्स जा रही थी। मैंने कहा, भाई मेरे को आपको बिल्कुल बात समझ नहीं आ रही। ना तो वो बंदा हिंदी बोल पाता, ना वो इंग्लिश बोल पाता, वो एक अलग ही लैंग्वेज बोल रहा था, पता नहीं कन्नड़ होती है कौन सी, आई डोंट नो। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो अब देखो, ये फायदा, मुझे कन्नड़ सीखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कर्नाटक में मेरी टीम बनी हुई है। सो मैंने क्या किया, उस बंदे का फोन नंबर अपनी टीम को दिया कि भाई ये लो, इसको हैंडल करो, ये क्या बोल रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और मेरी टीम में है एक डॉक्टर है जो कर्नाटक से ही है, मैंने उनको वो लीड दी, उन्होंने कन्वर्ट कर ली, हो गया काम। अब वो भले डायरेक्ट मेरे ना आई हो, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी टीम में आई है ना। दैट्स द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। मुझे सारी लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे पंजाबी सीखने की जरूरत नहीं है। मेरी पंजाब में टीम बनी हुई है, मैं वहां जाकर कर सकता हूँ। पंजाब में मेरे बिजनेस एसोसिएट्स हैं, मैं उनको दूंगा। कोई पंजाब जिसको अगर हिंदी इंग्लिश नहीं बोलनी आती, वो पंजाबी बोल सकता है, तो मैं उनको दूंगा। भाई करो काम को। दैट्स द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। मुझे अगर मैं देखूं, अगर अपने आपसे देखूं, तो मुझे सिर्फ हिंदी इंग्लिश आती है अगर ढंग से बात करूं, ठीक है। लेकिन जितनी भी जहां जहां मेरी टीम है ना, वहां पर जो जो से लैंग्वेज बोली जाती है, मैं अपने आपको यही मानता हूं कि सारी लैंग्वेज मुझे आती है। क्यों? क्योंकि मेरी टीम वहां पे बनी हुई है। दैट्स द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। सोचो, आपके घर में शादी ब्याह हो रही है, ठीक है, या फिर आप कहीं बहुत ज्यादा बिजी हो, ठीक है, आप एक्टिव नहीं हो बिजनेस में, 15-20 दिन के लिए आप एक्टिव नहीं हो, आपकी टीम आपके लिए काम कर रही होगी, आपको नहीं पता। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मुझे नहीं पता मेरे डाउन का डाउन कौन कहां किसको बात अब फॉरएवर समझा रहा होगा, किसी को प्रोडक्ट दे रहा होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन उसका कुछ कमीशन मेरे पास भी आने वाला है। लेकिन दिस इज द प्योर पैसिव इनकम। मैं यहां वीडियो बना रहा हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं काम मेरा भी हो रहा है। दैट्स द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। मैं दुबई में किसी को नहीं जानता, मैं आउट ऑफ इंडिया भी किसी को नहीं जानता,
लेकिन मेरे डाउन के डाउन में किसी ने कोई कस्टमर्स ढूंढ लिए दुबई में, प्रोडक्ट दुबई बिक रहा है, तो मेरा भी स्पॉन्सरशिप दुबई में लग गया। सोचो दुबई भी चला गया बिजनेस, मुझे पता भी नहीं है कौन है कि कौन किसको दे रहा है, लेकिन मुझे लिखा आगे, मुझे मेल आ गया कि भैया बिजनेस दुबई पहुंच चुका है। सोचो दैट्स द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। मान के चलते हैं मेरी टीम में अगर 5 लोग हैं और पांचों लोग दो दो घंटे भी काम कर रहे हैं और मैं उसमें काम नहीं कर रहा, तो मैं ना काम करते हुए भी मेरा 10 घंटे काम चल रहा है। सोचो ऐसा कहीं किसी बिजनेस में हो सकता है? दैट्स द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। सोचो आपको कोई बिजनेस करना है, अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते हो तो कितना दिमाग खराब होता है, रॉ मटेरियल कहां से लेके आओगे, मशीनरी कहां से लेके आओगे, एरिया कहां से लेके आओगे, और एंड पे बात कहां रुक जाएगी? सेल्स पे। सेल कहां करोगे, कस्टमर्स कहां से ढूंढोगे? तो ये सारी रॉ मटेरियल से लेके प्रोडक्ट बनाने तक की सारी चीजें खत्म करो ना, एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करो जहां ऑलरेडी सब कुछ सेटअप बना हुआ है, बस आपको क्या करना है, लास्ट स्टेज पे बैठना है, मार्केटिंग वाली स्टेज पे बैठना है, कमीशन कमाओ पीछे बैठ के। ना तो आपको कस्टमर से मतलब, ना आपको कंपनी से मतलब, कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट खराब होता है तो वो कंपनी का, आप बीच में सिर्फ कमीशन खा रहे हो, आप बीच में मार्केटिंग कर रहे हो, बस दैट्स द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। कैसे भी एम्प्लॉयज का खर्चा नहीं है, कैसे भी एम्प्लॉयज का, ठीक है, लाइट आ रही हो या नहीं आ रही हो आपका बिजनेस चलेगा, आंधी तूफान आ रही हो बिजनेस चलेगा, आप हो या नहीं हो आप बिजनेस चलेगा, दैट्स द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। और जितनी तेजी से नेटवर्क मार्केटिंग डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में कन्वर्ट होता जा रहा है ना, अब तो और ज्यादा मजा है। आपका एक कंटेंट पता नहीं कौन से देश में चला जाए और कहां आपकी टीम बनना स्टार्ट हो जाए, आपको कुछ नहीं पता, दैट्स द पावर ऑफ डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। सो गाइज एट द एंड में ये बोलना चाहूंगा, नेगेटिविटी तो बहुत है, आप देख लो आप किसको सुनना चाहते हो। अगर आप उड़ना चाहते हो तो बाज से पूछो उड़ा कैसे जाता है, ना कि एक मुर्गे से, और आप चलना चाहते हो तो मुर्गे से पूछो चलते कैसे हैं, बाज से मत पूछो, ठीक है। मुझे एक बात बताओ चलो एक लास्ट चीज में बोलना चाहता हूं, अगर आपको क्रिकेट खेलना सीखना है तो आप किसके पास जाओगे, सचिन तेंदुलकर के पास या लता मंगेशकर के पास? ऑब्वियसली सचिन तेंदुलकर के पास। तो जो जिस चीज में परफेक्ट है उन्हीं की राय लिया करो, हर किसी की राय मत लिया करो। बहुत लोग मार्केट में ऐसे हैं जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं लेकिन उनको इसकी पावर के बारे में पता नहीं है। हाँ मैं ये बोलूंगा स्टार्टिंग में आसान नहीं होता बिजनेस, स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब आपकी टीम बन जाएगी गाइस तो इतना मजा आता है बिजनेस में करने में, आपको नहीं पता कब कहां काम कैसे हो जाएगा, ठीक है। सो लगे रहिए गाइस, हिम्मत मत हारिए और यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस इन दिस बिजनेस। माय ऑल विशेस आर विद यू। सो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दो कि वीडियो कैसी लगी। जब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर।